नमस्कार, मैं अमित सिंह, द वायर बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। दिन भर की बड़ी खबरों पर आधारित हमारा ये कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत हमने पिछले कुछ दिनों से की है। आज हम एक नज़र उन खबरों पर डाल लेते हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। नोटबंदी पर रिजर्व बैंक के हालिया आंकड़ों को लेकर विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर हो गया है। दूसरी खबर है GDP की वृद्धि दर 3 साल के अपने निचले स्तर पर है। तीसरी खबर जिन पर हम चर्चा करेंगे, पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या के मामले में पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ को दोषी ठहराया गया है, उनको भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। गया रोड रेज मामले में पूर्व जदयू MLC का बेटा राखी यादव समेत 4 हत्या के दोषी करार दिए गए हैं। बलात्कार के दोषी राम रहीम को पद्म पुरस्कार देने के लिए 4,208 लोगों ने सिफारिश की थी। भाजपा के विधायकों और सांसदों पर दर्ज हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध के सर्वाधिक मामले, ADR का एक आंकड़ा है ये। 3 तलाक के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली इसरत जहां को कोलकाता में सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा है। आखिरी खबर है हमारी, मुंबई के में 100 साल से ज़्यादा पुरानी एक इमारत गिरने से 19 लोगों की मौत हो गई है। एक और खबर जो अभी अभी थोड़ी देर पहले अपडेट हुई है वो ये है कि केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे को UP BJP का नया अध्यक्ष बनाया गया है। हम अपने सहयोगियों से इन खबरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले नोटबंदी पर कृष्णकांत बताएंगे कि नोटबंदी को लेकर क्या है विपक्ष, कितना हमलावर है और सरकार का क्या पक्ष है। अभी नोटबंदी पर कल आंकड़ा आया है रिजर्व बैंक का, और उसके आने के बाद जब ये साफ हुआ कि नोटबंदी में जो करेंसी बंद की गई थी, जिसको लीगल इलीगल टेंडर घोषित किया गया था, वो 99% वापस आ गया है। माना जा रहा था कि चलन में जो नोट हैं उनके साथ साथ तमाम ब्लैक मनी फ्लो कर रहा है सिस्टम में। जितना ज़्यादा नोट नहीं आते वो समझ लिया जाता कि वो काला धन है, लेकिन जब लगभग सारे नोट जो है वापस आ गए हैं, सिर्फ 16,000 करोड़ वापस नहीं आए हैं, जबकि सरकार को नए नोट छपवाने के लिए 21,000 करोड़ खर्च करने पड़े हैं, तो ऐसे में एक तरह से देखा जाए मोटा मोटी तो ये 5,000 करोड़ का घाटा इसी में है। तो अब इसको लेकर के विपक्ष बहुत हमलावर हो गया है, जैसे कि हर तरफ से ट्वीट आ रहे हैं। और ये देखिए, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं रणदीप सुरजेवाला, इन्होंने ये शेर लिख करके तंज कसा है कि लगा के आग शहर को बादशाह ने कहा, उठा है दिल में तमाशे का शौक बहुत, झुका के सर शाह परस्त बोले, हुजूर शौक सलामत रहे शहर और बहुत। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि इतिहास में नरेंद्र मोदी जी का नाम मोहम्मद बिन तुगलक के साथ लिखा जाएगा, अगर नैतिकता का मूल्य है तो उन्हें पद छोड़कर माफी मांगनी चाहिए। और इसके इस संबंध में इन्होंने कई ट्वीट किया है और दिखाया है कि कैसे GDP जो है वो करीब 8% से 5.7% पर आ गई है। पिछले 3 सालों में GDP अपने सबसे निचले स्तर पर है, 9.2 से जो है वो 5.7 पर आ गई है 2016 से जून 2017 तक। और नोटबंदी को लेकर के बाकी जो विपक्ष है वो भी हमलावर है, इसको इस शेर को ही आगे करके हमने ये खबर बनाई है, जिसमें अगली बात ये है कि पी चिदंबरम जो पूर्व वित्त मंत्री हैं, उन्होंने भी पूछा है कि ये जो नोटबंदी थी इसका मकसद क्या था, क्या नोटबंदी काले धन को सफेद करने के लिए थी। रिजर्व बैंक के तरफ से जो आंकड़ा जारी हुआ है उसके जारी होते ही विपक्ष ने हमला बोला है। चिदंबरम का कहना है कि नोटबंदी का फैसला काले धन को सफेद करने के लिए तैयार किया गया था। उधर माकपा के जो महासचिव सीताराम येचुरी हैं, उनका कहना है कि इससे देश को इतना बड़ा आर्थिक और जान माल का नुकसान हुआ है, यह एक राष्ट्र विरोधी कृत्य है जिसके लिए देश की जनता मोदी सरकार को माफ नहीं करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है कि यह एक बड़ी असफलता है जिसमें निर्दोष लोगों की जान गई और अर्थव्यवस्था तबाह हुई, क्या प्रधानमंत्री इसकी जिम्मेवारी लेंगे।
इसके अलावा दूसरे जो विपक्षी नेता हैं वो भी इसकी आलोचना कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर संसदीय समिति को गुमराह करने के आरोप में रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएगी। आपको बता दें कि कल ही एक संसदीय समिति जो नोटबंदी पर बनी थी उसने ये अपनी राय जाहिर की है कि उस कमेटी का पुनर्गठन हो और वो दोबारा अपना मसौदा तैयार करे, क्योंकि जो ये रिजर्व बैंक है इसके गवर्नर ने, रिजर्व बैंक ने सही सूचना उस समिति को नहीं दी है। अभी तक के कल के पहले तक रिजर्व बैंक ने समिति को ये भी नहीं बताया था कि कितने नोट बंद हुए, यानी जो करेंसी मार्केट में थी वो 500,000 के सारे नोट बंद कर दिए गए थे, तो चलन में कितने थे क्या आरबीआई को ये भी नहीं मालूम था, लेकिन ये नहीं बताया गया है। समिति का कहना था कि कई महत्वपूर्ण सूचनाएं बैंक की तरफ से हमको नहीं दी गई हैं। तो इसको लेकर के विपक्ष काफी आक्रामक है और सरकार बिल्कुल बैकफुट पर आ गई है। 1,000 रुपए के 8.9 करोड़ नोट यानी 16,000 करोड़ रुपए कुल वापस नहीं आए हैं। ये विपक्षी नेताओं के ट्वीट्स हैं जो राहुल गांधी ने लिखा है कि ये भारी फेल्योर और निर्देश, लोगों की जान थी, अर्थव्यवस्था को बहुत भारी गिरावट उसमें दर्ज की गई, तबाह हुई, क्या प्रधानमंत्री इसकी जिम्मेदारी लेंगे। उधर सीताराम येचुरी ने करीब 14 सवालों के जवाब डाले हैं, सवालों के जवाब मांगे हैं। सवाल ट्विटर पर ट्वीट करके उन्होंने पूछा है कि ये जो नोटबंदी थी ये फैसला किसका था, क्या प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया था या आरबीआई ने ये फैसला लिया था, इससे फायदा क्या हुआ ये कौन बताएगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जो 150 लोगों के जो मरने का जिक्र है, इन्होंने करीब लिखा है कि 100 पीपल डाइड इन क्यूज, लाइनों में लगकर 100 से ज्यादा लोग जो मर गए उसकी जवाबदेही कौन लेगा। इस तरह से जो है सीताराम येचुरी ने 14 सवालों के जवाब सरकार से मांगे हैं। और जो इसमें नुकसान हुआ है अर्थव्यवस्था को, नौकरियों को, उन संबंध में सवाल पूछे गए हैं। नोटबंदी में मोटा मोटी अगर हम निगाह डालें तो जब नोटबंदी 8 नवंबर की आधी रात से जब लागू हुई उसके बाद से लेकर के, और 50 दिन का समय प्रधानमंत्री ने मांगा था, गोवा में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि मैंने देश की जनता से सिर्फ 50 दिन मांगे हैं और अगर इसमें कुछ नहीं होता है, अगर हम फेल हो जाते हैं तो जो चाहे सजा जनता हमें दे सकती है। लेकिन 100 दिनों के अंदर ही, शायद नोटबंदी लागू होने के कुछ महीनों के अंदर ही 150 से अधिक नियम बदले गए, 100 से 150 के बीच मौतें हुई, लोगों को कैश की समस्या हुई, व्यापार, उद्योग, बिजनेस प्रभावित हुए, 15 लाख से अधिक नौकरियां गई, रोजगार के अवसर कम हुए, किसानों को फसलों का मूल्य जो है वो 40% तक कम मिला, जीडीपी 7.9% से 6.1% पर आ गई, लेकिन इसका फायदा क्या हुआ यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। 24 नवंबर 2016 को संसद में, राज्यसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने इस पर हमला किया था। 8 नवंबर को लागू हुई थी और जब सदन चला तो उसमें विपक्षी नेताओं में से एक मनमोहन सिंह, जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी हैं और जो प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और जो अभी जो व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था है उसके वो बड़े सूत्रधार माने जाते हैं, इसको लागू करने वाले भी माने जाते हैं, और नोटबंदी आने के बाद उन्होंने कहा था कि इससे 2-3% तक अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी। अभी कांग्रेस और समूचे विपक्ष के हौसले बुलंद हैं क्योंकि वाकई में 2% से ज्यादा की गिरावट आई है। 24 नवंबर को 2016 को मनमोहन सिंह ने सदन में कहा था कि हम नोटबंदी के फैसले के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सरकार ने इसे लागू करने में बद इंतजामी की। नोटबंदी के बाद से देश की जीडीपी में 2% की गिरावट आई है, अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है। ये 24 नवंबर 2016 की बात है, तब तक 65 लोगों की मौत हुई थी। लोगों को परेशानियों का सामना निकालना जरूरी है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का कहना है कि नोटबंदी का फैसला देश को आगे ले जाने वाला है और इससे आतंकवाद भी रुकेगा, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा,
रहा हूं, लेकिन जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनकी बात सुनी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह संगठित लूट है और वैध गलती है। ये बहुत मशहूर उनका बयान है पिछले 2-3 सालों में जो मनमोहन सिंह ने बोला था सरकार के लिए, और ये बड़े अखबारों में बड़ी बड़ी हेडिंग लगी थी ये कि नोटबंदी संगठित लूट है, जो मनमोहन सिंह ने बोला था कि ये एक वैधानिक गलती है जो सरकार ने की है नीतिगत स्तर पर। उन्होंने मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा था कि पीएम ने 50 दिन इंतजार करने को कहा है, ये छोटा वक्त हो सकता है लेकिन देश के गरीबों के लिए छोटा वक्त नहीं है। हमें नहीं पता कि नोटबंदी का आखिरी परिणाम क्या होगा, इसके नतीजे खतरनाक हो सकते हैं, बैंकिंग सिस्टम से लोगों का विश्वास हिल गया है। मनमोहन सिंह ने ये राज्यसभा में ये बात कही थी, दुनिया में कोई भी ऐसा देश बताइए जहां लोगों को बैंक में जमा अपना पैसा निकालने की इजाजत नहीं है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि नोटबंदी से कृषि क्षेत्र और छोटे उद्योगों का भी भारी नुकसान पहुंचेगा, GDP 2% नीचे जाएगी, इस पूरी प्रक्रिया में अव्यवस्था की स्थिति फैलेगी, गरीब आदमी पीड़ित है, वह और पीड़ित होगा, सरकार को इसके समाधान की खोजने की जरूरत है। और उन्होंने एक बात और कही थी कि नरेंद्र मोदी को फैसले लेने चाहिए लेकिन वह जो भी फैसला लें उसके लिए उन्हें तर्कसंगत ढंग से अपने प्रस्तावों को सामने लेकर आना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि जो आम आदमी है उसको राहत देने वाले फैसले लेने चाहिए सरकार को। RBI के गवर्नर रह चुके मनमोहन सिंह का यह कहना था कि नोटबंदी के कदम से RBI एक्सपोज हुआ है, बैंकिंग सिस्टम के लिए यह सही नहीं है कि वह हर दिन मॉडिफिकेशन के साथ सामने आए। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी बैंकों पर मनमोहन ने कहा कि वह बुरे दौर से गुजर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की मदद का साधन सहकारी बैंक आज ऑपरेशनल नहीं है। इसके ठीक फिर एक साल बाद मनमोहन ने 9 जनवरी 2017 को देखिए वही बात दोहराई कि नोटबंदी का अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है और इसकी वजह से GDP पिछले साल के मुकाबले कम रहेगी। ये अखिल भारतीय मैन्युफैक्चरिंग संघ का जो कोई ये डेटा है जिसके मुताबिक जो है नोटबंदी के पहले 34 दिन में सूक्ष्म और छोटे उद्योगों में 35% तक रोजगार कम हुआ और राजस्व में 50% तक गिरावट आई। तो जब से नोटबंदी लागू हुई उसके बाद से लेकर के और अभी तक इसमें लगातार नुकसान और गिरावट दर्ज हुई है। बावजूद इसके डीमोनेटाइजेशन सक्सेस करके एक हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड कराने का प्रयास हुआ है, इस ट्रेंड से सरकार के लगभग सभी मंत्रियों ने इस हैशटैग के साथ ट्विटर पर ट्वीट किए हैं जो ट्रेंड कर रहा था अभी तक। और इसके पहले डीमोनेटाइजेशन हैशटैग से लोगों ने खूब आलोचनाएं भी की। सबसे जो दूसरी जो बड़ी बात है वो GDP का है कि मनमोहन की बात सही होती दिख रही है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP में इस तिमाही इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 5.7% पर ये आ गई है। इसके पहले 2016-17 की पहली तिमाही की संशोधित वृद्धि दर 7.9 थी और इसके पिछली तिमाही यानी जनवरी मार्च में GDP की वृद्धि दर 6.1% थी। यानी पिछले 3 साल से GDP लगातार गिरावट की ओर है और ये अपने पिछले 3 सालों के सबसे निचले स्तर पर है। अब विपक्ष जब हमलावर है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी का जो फायदा है वो दीर्घकालिक अवधि में दिखाई पड़ेगा। वो फायदा क्या है सरकार ये नहीं बता रही है। क्या कालाधन वापस आएगा, क्या हम पूरी तरह से कैशलेस हो जाएंगे, क्या हम 80% या 50% तक कैशलेस चले जाएंगे, क्या काला धन खत्म हो जाएगा, क्या आतंकवाद खत्म हो जाएगा, क्या नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, क्या पत्थरबाजी कभी नहीं होगी, क्या वो पूरी उनमें से कोई भी एक काम पूरी तरह हो चुका है, क्या अब कश्मीर में आतंकवाद नहीं है, क्या अब नक्सलवादी हमले आगे नहीं होंगे, इस बारे में कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं है। दरअसल ये शंका अब की जानी चाहिए कि जो नोटबंदी के बाद RBI को अपने ही आंकड़े पेश करने के लिए तकरीबन 10 महीने का समय लेना पड़ा, वो इसीलिए क्योंकि नोटबंदी क्यों की गई और उसका अंजाम क्या हुआ ये बताने की हालत में न तो सरकार है न तो RBI है। और आप देखिए कि जैसे ही इसका आंकड़ा आया है सरकार फंसने लगी है, तो जो उसके उद्देश्य थे वो बताने की जगह नई बातों के साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली को सामने आना पड़ा है, लेकिन वो तार्किक जवाब अभी तक
तक नहीं दे सके हैं। शुक्रिया अमित। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णकांत। अब हम चलते हैं अपने सहयोगी प्रशांत के पास। प्रशांत हमें कुछ बड़ी खबरों पर डिटेल से चर्चा करेंगे। प्रशांत बताइए आप। नमस्कार, धन्यवाद अमित। मैं जो पहली खबर आपको बताने जा रहा हूँ वो बेनजीर भुट्टो हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान की जो प्रधानमंत्री थी, इस मामले में आतंकवाद निरोधक अदालत ने पाकिस्तान की परवेज मुशर्रफ को भगोड़ा घोषित कर दिया है और उनकी सभी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है। इसके अलावा दो पुलिसकर्मियों को 17 साल की सजा सुनाई गई है। मैं बताना चाहूंगा कि बेनजीर भुट्टो की हत्या जो है 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में एक चुनावी रैली के दौरान कर दी गई थी। इसके बाद ही इस संबंध में मामला दर्ज किया गया था और तकरीबन एक दशक बाद कल यानी कि बुधवार को ये इसकी सुनवाई खत्म हुई और ये फैसला आया है। इसमें कहा गया है कि जो दो पुलिसकर्मी जिन्हें 17 साल की सजा हुई है उसमें से एक रावलपिंडी के पूर्व सीपीओ सऊद अजीज हैं, जिन पर पर्याप्त सुरक्षा मुहैया न कराने का आरोप है। जब वो सभा हुई थी वहां पे रावलपिंडी में, तो इन्होंने इन पर आरोप है कि ये पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं करा पाए थे। इसके अलावा अदालत ने इन दोनों पुलिसकर्मियों सऊद अजीज और पूर्व पुलिस अधीक्षक खुर्रम शहजाद को 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में 5 अन्य जो आरोपी थे उनको अदालत ने बरी कर दिया है। ये आरोपी आतंकी संगठन तहरीके तालिबान से जुड़े हुए बताए गए थे। इनके नाम हैं रफाकत हुसैन, हसनैन गुल, शेर जमान, एतजाज शाह और अब्दुल राशिद। ये सभी अभी जेल में हैं और इन्हें बरी कर दिया गया है फिलहाल। इसके अलावा मैं बताऊंगा कि इस मामले को 8 अलग अलग न्यायाधीशों ने सुनवाई की है इस मामले में, और मामले की सुनवाई जो है ये जो है 2008 में सुनवाई शुरू हुई थी, लेकिन परवेज मुशर्रफ और दूसरे लोगों के खिलाफ 2009 में सुनवाई शुरू की गई। इसमें कोर्ट ने पाया है कि जो संघीय जांच एजेंसी है जो इस मामले की जांच कर रही थी उसने पाया है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान की ओर के मुखिया और एक मौलाना थे, उनके बातचीत का एक ऑडियो जारी किया गया था जो तत्कालीन पाकिस्तान सरकार ने जारी किया था की ओर से आया था कि ये इसमें बताया गया था कि प्रतिबंधित तहरीके तालिबान पाकिस्तान के पूर्व मुखिया और एक मौलाना के बीच बातचीत के ऑडियो रिकॉर्ड के प्रमाण और फोन कॉल्स के सबूतों को खारिज कर दिया गया, जिसमें बेनजीर की हत्या के लिए आतंकियों को बधाई दिया जा रहा था। मुशर्रफ ने FIA ने, जो संघीय जांच एजेंसी है, उसने कहा है कि मुशर्रफ ने जांचकर्ताओं को गुमराह करने और अपने आप को बचाने के लिए एक कहानी गढ़ी है। और एजेंसी ने दावा किया कि जनरल मुशर्रफ ने अपने सहयोगी रिटायर्ड ब्रिगेडियर जमाल इकबाल चीमा के जरिए मनगढ़ंत कहानी बनाई, और एजेंसी ने इसके बाद जो है मुशर्रफ को आरोपी बनाया और आरोप लगाया कि वह उन्होंने ही बेनजीर की हत्या के लिए साजिश की थी। ये मैं अगली खबर है रॉकी यादव के दोषी करार दिए जाने की। ये बिहार का बहुचर्चित रोड रेज मामला है जो पिछले साल हुआ था, और इसमें जो है जदयू की पूर्व MLC मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव मुख्य आरोपी थे। इस मामले में MLC के बेटे रॉकी यादव के साथ पूर्व MLC के बेटे रॉकी यादव के साथ 4 को दोषी करार दिया गया है। मामला पिछले साल का है। 6 और 7 मई की रात में आदित्य सचदेवा नाम का 12वीं का छात्र जो है ओवरटेक करने के चक्कर में जो है इनकी रॉकी यादव से थोड़ी कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद रॉकी ने बंदूक निकालकर उन्हें आदित्य को गोली मार दी थी। इसके बाद जो है इस मामले में आरोपी थे रॉकी यादव, उनके अलावा आरक्षक राजेश कुमार और टेनी यादव को जो है आरोपी थे, और इसमें जो है इन तीनों को भारतीय दंड विधान की धारा 302, 323, 427 और आर्म्स एक्ट 27 तथा रॉकी के पिता जो को धारा 212 और 177 के तहत दोषी करार दिया गया है। ये आज ही की तस्वीरें हैं जो गया कोर्ट में थोड़ा हाथापाई करते नजर आ रहे हैं रॉकी यादव। PTI ने ये तस्वीर जारी की है।
इस मामले में जब ये मामला पिछले साल हुआ था तो जो है पुलिस, तो मामला सामने आने के बाद रॉकी जो है अपने फरार हो गए थे, उसके बाद जब पुलिस ने उनके घर पे मनोरमा देवी के जो पूर्व एमएलसी थी जदयू की पूर्व एमएलसी हैं, वो मनोरमा देवी के घर पे छापा मारा था तो वहां शराब की बरामद हुए थे। उसके बाद जो है जदयू ने उन्हें मनोरमा देवी को निलंबित कर दिया था इसके, और वो भी उस समय जो है मामला सामने आने के बाद वो भी फरार चल रही थी। बाद में वो जो है उसी साल जो है उन्होंने कुछ दिन बाद जो है सरेंडर किया था और जो है उनको फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब उन्हें जमानत मिल चुकी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब रॉकी को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, लेकिन पटना हाईकोर्ट से उसे जमानत मिल गई थी। हाईकोर्ट के इस फैसले को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस जमानत पर रोक लगा दी थी रॉकी यादव के और जेल भेजने का आदेश दिया था। इसके बाद जो है ये आज इन्हें दोषी पाया गया है। और इसके बाद जो मैं बताऊंगा ये है गुरमीत राम रहीम जो के बारे में, इनके बारे में खबर है ये कि जो बलात्कार के दोषी राम रहीम को पद्म पुरस्कार देने के लिए 4208 लोगों ने सिफारिश की है। इसमें से 5 बार तो खुद गुरमीत राम रहीम ने अपने को यह पुरस्कार देने की सिफारिश की है। इसमें मैं बताऊंगा कि इन्हें 20 साल की सजा मिली है अभी बलात्कार के मामलों में, और जो है पद्म पुरस्कार 2017 के लिए ये पूरे आवेदन मिले हैं जिसमें से 4200 से अधिक लोगों ने इनके नाम की सिफारिश की है। और कुल जो अभी गृह मंत्रालय को ये जो आवेदन मिले हैं उसमें 18,768 लोग हैं। इस बारे में समाचार एजेंसी पीटीआई को जो है दस्तावेज भी मिले हैं। और मैं इसमें एक और बात, महत्वपूर्ण बात ये है कि जो गुरमीत राम रहीम के नाम की सिफारिश करने वालों में ज्यादातर के नाम आभा, आदित्य, अकबर, अल्फेज, बलजिंदर, मिल्की, गजल, कोमल, जॉनी, जेसी, इर जैसे एकल नामों का इस्तेमाल किया गया है। और सिरसा के एक रहने वाले अमित नाम के शख्स ने 31 बार गुरमीत के नाम की सिफारिश की है और सुनील नाम के एक व्यक्ति ने 27 बार गुरमीत के नाम की सिफारिश की है। मैं बता दूं कि पद्म पुरस्कार जो है कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और अभियांत्रिकी, सार्वजनिक मामलों और सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है और हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे ये पुरस्कार बांटे जाते हैं। तो ये एक जालसाजी का मामला एक सीधा सीधा है कि किस तरह से खुद भी एक पुरस्कार पाने के लिए अपने नाम को रिकमेंड कीजिए और कुछ और लोगों को भी अपने उसके लिए अपने साथ जोड़िए कि वो आपके नाम की सिफारिश कर सकें। ये एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है गुरमीत राम रहीम का। इसके बाद एक और खबर है, ये अमर उजाला की खबर है जिसमें बताया गया है कि डेरा प्रबंधन को, जो पंचकुला हिंसा से पहले डेरा प्रबंधन को सबूत और संपत्ति छिपाने के लिए पूरा मौका दिया गया था। अमर उजाला बता रहा है कि गुरमीत राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन पर आरोप लगाया अमर उजाला कि प्रशासन की अनदेखी ने डेरा सच्चा सौदा प्रबंधन को सबूत और संपत्ति छिपाने का पूरा मौका दे दिया गया। डेरे से करीब 1 किलोमीटर दूर खड़ी सेना 5 दिन तक अंदर जाने का आदेश का इंतजार करती रही लेकिन उसे आदेश नहीं मिला। इसके अलावा राजस्थान की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ डेरा की ओर पूरी तरह से खुला छोड़ दिया गया था। इस रास्ते से डेरा प्रमुख का परिवार महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर निकल गया और कहा जा रहा है कि डेरे में रखे गए हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामानों को भी इसी रास्ते से ठिकाने लगाया जा रहा था। डेरा प्रमुख की सजा सुनाए जाने के कुछ देर पहले ही एक लग्जरी गाड़ी को भी जलाने का मामला इसमें बताया गया इस रिपोर्ट में और माना जा रहा था कि उसमें डेरा प्रमुख से जुड़े जो है सबूत थे। तो ये सारा मामला है, बस मेरे पास यही 3 खबरें थी अमित। और धन्यवाद प्रशांत। हम अब अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये खबर महिलाओं के साथ होने वाले अपराध से जुड़ी है। ADR का आंकड़ा है जिसमें उसने सत्तारूढ़ दल को के ऊपर टिप्पणी की है। हम अपने सहयोगी मीनाक्षी से जानते हैं। मीनाक्षी, क्या है इसकी पूरी विस्तृत रिपोर्ट? शुक्रिया अमित। पहले ADR की रिपोर्ट से पहले मैं बताऊंगी, ये ट्रिपल तलाक पिटिशनर जो थी इशरत जहां, जिन्होंने अभी जो लड़ाई चल रही थी इसके
ट्रिपल तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। इसमें पांच पिटिशनर में से एक थी इशरत जहां। इशरत जहां ने कंप्लेन किया है कि उनके बच्चे जो है वो मिसिंग है। इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर मैं पढ़ रही हूं और समाचार एजेंसी ANI पर इन्होंने बयान दिया है कि इनके पति पर इन्हें शक है कि वो बच्चे जो इनके दो बच्चे हैं, इनके चार बच्चे हैं इशरत के, पर इनके बच्चों को इनके पति के द्वारा किडनैप कर लिया गया है, उनको गायब कर दिया गया है। इससे पहले एक खबर जो आई थी, इनकी सुप्रीम कोर्ट में जीत तो हुई थी पर इन्होंने शिकायत की थी, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है 25 अगस्त की, इशरत की शिकायत थी कि जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तीन तलाक के खिलाफ, तलाक बिद्दत के खिलाफ यानी इंस्टेंट तलाक के खिलाफ, तब से इनको लगातार अपमानित होना पड़ रहा था, इनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया था। जब वो बाहर निकलती थी तब लोग इन्हें गालियां दिया करते थे, लोग इनसे इन पर भद्दे कमेंट्स किया करते थे, इनके इन लॉज यानी जो इनके ससुराल वाले थे वो भी इनके खिलाफ तरह तरह की बातें कर रहे थे, इनके चरित्र पर उंगली उठाई गई थी, उनको तमाम तरीके से इस तरीके का विरोध सहना पड़ा था। ये लड़ाई भले ही कोर्ट में लड़ी गई थी पर इसका जो खामियाजा था वो इशरत ने भुगता था। कोलकाता की ये खबर है और इसमें इन्होंने लगातार कहा है कि जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तब से उनकी इंसल्ट है वो हो रही है, लगातार कमेंट्स किए जा रहे हैं उन पर उनके ससुराल वालों द्वारा और उन्हें अन इस्लामिक कहा जा रहा है कि वो इस्लाम के नियम बदलना चाहती थी, वो अन इस्लामिक है, वो इस्लाम में नहीं बिलीव करती हैं और एक तरीके से उन्हें काफिर करार दिया जा रहा था। महिलाओं को लेकर ये रवैया जो है, ये उनकी वकील जो थी नाजिया इलाही खान, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, उन्हें सोशल मीडिया पे ऑनलाइन ट्रोलिंग हुई उनकी। उन्होंने एक बयान भी दिया था टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए, इस बयान में उन्होंने कहा था कि मेयर जजमेंट बाय अ कोर्ट विल नॉट चेंज द सोसाइटी, इट विल चेंज द एटीट्यूड ऑफ द पीपल, इट विल नीड इन चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ पीपल, यानी कि जो फैसला आया है उससे कुछ नहीं बदलेगा, बदलाव जो होगा वो लोगों की सोच में आएगा। इस तरीके के जो केसेस होते हैं उनमें समाज को सबसे पहले अपना रवैया जो है वो महिलाओं के प्रति थोड़ा संवेदनशील करना पड़ता है। यहां अब मैं आऊंगी भाजपा के विधायकों और सांसदों के मामले पर। इस मामले में ये ADR की रिपोर्ट है, एक चुनावी रिफॉर्म जो होते हैं, चुनावी रिफॉर्म्स के क्षेत्र में काम करने वाला एक संगठन है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये खबर आज सुबह हमने की थी। भाजपा के विधायकों सांसदों पर है महिलाओं के खिलाफ अपराध के सर्वाधिक मामले। ADR की स्टडी में पता चला है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में भाजपा के बाद में दो अन्य पार्टियां हैं जिसमें शिवसेना और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस दूसरे और तीसरे स्थान पर है। हम जब महिलाओं के प्रति संवेदनशील होने की बात करते हैं तब कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की भी बन जाती है कि वो कैसा रवैया रखते हैं। ऐसे में अगर MLAs, MP या जो नेता हैं उनकी छवि दागदार होगी, आपराधिक होगी और उसमें भी स्त्री अपराध, तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। ऐसे में हम कैसे ऐसे कानूनों की उम्मीद करें जो समाज को और ज्यादा स्त्रियों के मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने की कोशिश करेंगे। अमित, यही है मेरे पास, आप। धन्यवाद मीनाक्षी। अब मैं अपने दर्शकों को कुछ अन्य खबरों पे बात करता हूँ उनके साथ। एक इसमें जो आज सबसे सुबह की खबर है वो है मुंबई से आई है। मुंबई में 100 साल से ज्यादा पुरानी इमारत गिर गई थी, एक उसमें 19 लोगों की मौत हो गई थी। इसके मलबे में 30 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका थी। ये मुंबई के दक्षिणी मुंबई का ये एक इलाका है, भीड़ी बाजार, जो बहुत मशहूर भी रहता है, वहां पे ये हादसा हुआ था। इस हादसे में जो बचाव कार्य था उसके लिए उसे करने में बहुत मुश्किलें आई, क्योंकि जहां पे ये इलाका है वहां पे जाने के लिए सड़कें बहुत सक्रिय थी। इस पर मैं कुछ बताना चाहूंगा कि भारी बारिश मुंबई में इस समय हो रही है और जर्जर इमारतों पर एक खतरा मंडरा रहा है। मंगलवार का दिन मुंबई के लिए बहुत तकलीफ देने वाला रहा कि मंगलवार के दिन जितनी बारिश हुई थी वो इससे पहले इतनी बारिश 1997 में मुंबई में हुई थी, उसके बाद फिर मंगलवार को हुई थी। इसके चलते जो है BMC ने कई ऐसे इमारतें हैं, सैकड़ों ऐसी इमारतें हैं जिनको खतरनाक घोषित कर दिया था, पर फिलहाल उसमें लोग रहते हैं। इस बिल्डिंग में भी बताया जाता था कि 10-12 परिवार रहते थे, एक अस्पताल भी चलता था। इसके पहले मुंबई में एक हादसा हुआ था, वो 26 जुलाई को हुआ था घाटकोपर में, जहां पे 4 मंजिला इमारत गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई थी। इस इमारत में भी करीब 10-12 परिवार रहते थे। इस इमारत को भी BMC ने खतरनाक इमारत घोषित कर रखा था, लोगों के रहने लायक नहीं बताया था उसको, लेकिन सरकारी व्यवस्था जैसे चलती है वैसे ही ये व्यवस्था भी चल रही थी।
अब मैं आज दिन की आखिरी खबर पर चर्चा करूंगा, जो वायर जिस पर चर्चा कर रहा है। ये राजनीति की खबर है। उत्तर प्रदेश भाजपा को नया अध्यक्ष मिल गया है। केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री महेंद्र नाथ पांडे को नया बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है, उत्तर प्रदेश बीजेपी का। इसकी घोषणा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने की है। महेंद्र नाथ पांडे ने एमए और पीएचडी की है हिंदी से। वो पत्रकार भी रहे हैं, उन्होंने पत्रकारिता का कोर्स भी किया है बनारस हिंदू इंस्टीट्यूट से। वो इसके पहले मंत्री भी रह चुके हैं, राजनाथ सिंह शायद जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे 1997 से 1998 से लेकर 2002 तक उत्तर प्रदेश सरकार में। अभी वो फिलहाल केंद्रीय मंत्री हैं। उनकी नियुक्ति के पीछे जो कारण बताया जा रहा है, उनका ब्राह्मण होना, क्योंकि भाजपा हर तरह से जाति समीकरण को सेट करने में विश्वास रखती है। अभी इसके पहले जो अध्यक्ष थे उनको पिछड़े वर्ग से थे, अभी उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है केशव प्रसाद मौर्य को, उनकी जगह पे इनकी नियुक्ति की गई है। इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भाजपा को। पिछले लोकसभा चुनाव में जैसे भाजपा ने जीत हासिल की है, पिछले विधानसभा चुनाव में जैसे भाजपा ने जीत हासिल की है, वही कारनामा इनको दोबारा दोहराना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर सौंपी गई है। और ये अभी जो है चंदौली से सांसद हैं, चंदौली राजनाथ सिंह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, हमारा उनका गृह जिला है। और ये चंदौली से सांसद होने के साथ चंदौली के सांसद रहे हैं। इनके अलावा जिन नामों पर अभी चर्चा चल रही थी उसमें संजीव बलियान, स्वतंत्र देव सिंह, अशोक कटारिया का नाम प्रमुख रूप से लिया जा रहा था। दवायर के आज के बुलेटिन में बस इतना ही। आप हमारे वेबसाइट पे आइए, हमारी कुछ चुनिंदा खबरों को, खास खबरों को पढ़ते रहिए जो बाकी सारी मीडिया की नज़र में नहीं आती है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए और उसको सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए और ट्विटर पे हमें रिट्वीट करिए। धन्यवाद।